हेलो स्टूडेंट्स, इट्स आर वर्कशीट नंबर 23 फॉर क्लासेस 6 to 8, शेड्यूल टू बी डन ऑन 31st July 2020. यस, हियर इज योर वर्कशीट अबाउट जनरल कैलकुलेशंस इन आर डेली लाइफ. बोथ माय सिस्टर एंड मी लव टू ईट फ्रूट्स. वी ईट पाइनएप्पल, मौसमी, जामुन, लीची एक्सेट्रा ऑन रेगुलर बेसिस as they are rich in vitamin C, which increases our immunity and saves us from corona. Our father asked several questions from us from the rate list, which we love to solve. Come, let's solve the below mentioned questions. Now, in this given passage, we are given with the, yes, a little description about a girl and her sister, a boy or a girl and her sister, his or her sister, both of them love to eat fruits. उन दोनों को fruits खाना बहुत अच्छा लगता था. वो कौन कौन से fruit खाते हैं? Pineapple, मौसमी, जामुन, लीची एक्सेट्रा रेगुलर बेसिस पे क्यों खाते हैं? क्योंकि इनमें विटामिन सी होता है, जिससे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बॉडी की किसी भी डिजीज़ से लड़ने की, उसके कीटाणुओं से लड़ने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है उससे. तो उनके पापा क्या करते हैं, उनके पापा जो रेट लिस्ट है उसमें से अलग अलग तरह से उन बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं और वो बच्चे उसे सॉल्व करके उन्हें बहुत मज़ा आता है कि आखिर ये चीज़ इतनी लाए तो कितने रुपये खर्च हुए होंगे, कुल कितने रुपये लगे, हमने इतने ग्राम चीज़ ली तो वो कितने की आएगी. नाउ लुक एट द क्वेश्चंस. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस we have to see the rate list and solve them. See, we have the description about the amount for per kg. यहाँ पर बेटा एक किलो चीज़ कितने की है ये लिखी गई है. जैसे अमरूद 25 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि हर एक किलो 1 kg, एक किलो जो चीज़ है वो अगर अमरूद लेंगे तो वो 25 रुपये के हैं, आम लेंगे तो वो 40 रुपये के हैं, सेब लेंगे तो वो 120 रुपये के एक किलो हैं, अनार 90 रुपये के एक किलो हैं, मौसमी 40 रुपये की एक किलो है, लीची जो है वो 70 रुपये एक किलो की है, 70 रुपये में एक किलो मिलेगी. ऐसे ही पपीता लेंगे तो हमें 35 रुपये का एक किलो मिलेगा, अनानास लेंगे तो वह, जी हाँ, 80 रुपये का एक किलो मिलेगा. बिल्कुल सही, आपने रेट लिस्ट को पढ़ना सीख लिया. Now we can see the questions. Question number 1 is, what is the value of 3 kgs mango and 1 kg apple? See, 3 kgs of mango. तो यहाँ पर देखिए बेटा, 3 kg of mango अगर हम देखते हैं तो 3 kg के लिए यहाँ पे आम हमें 1 किलो पता है 40 रुपये के हैं, तो 3 किलो कितने के हो जाएंगे? बिल्कुल सही, हमारे 3 किलो आम हो जाएंगे 120 रुपये के, 4 × 3 = 12. और आप फिर देखिए, 0 जो है आपने उसके साथ लगा दिया, 120 रुपये के हो गए. और 1 किलो जो हमारे सेब है वो कितने रुपये के हैं? जी, 1 किलो सेब है हमारे 120 रुपये के. तो अब इनका कुल दाम कितना हो जाएगा, कुल कितने पैसे, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी इन दोनों की? यस, टोटल वैल्यू के लिए हम लोग कर देंगे प्लस. तो प्लस करने पर आ जाएगा ये 240 रुपीज़. और आप रुपीज़ का सिंबल ज़रूर लगाएंगे, या तो पीछे लिखेंगे रुपए, नहीं तो सिंबल लगाएंगे रुपीज़ का. अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डिड द फादर पे फॉर 600 ग्राम्स ऑफ लीची? अब कह रहे हैं पापा ने कितना पे किया 600 ग्राम लीची के लिए. तो देखिए, लीची जो है बेटा, लीची कॉस्ट ऑफ लीची पर केजी जो थी वो 70 रुपीज़ है, 70 रुपये की है. हमें सभी को पता है कि 1 kg इज़ इक्वल टू, नाउ वी कैन सी, 1 kg इज़ इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स. यस, इफ़ वी आर गोइंग टू मार्केट टू परचेज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 100 ग्राम्स. और आपको अगर 100 ग्राम की, 100 ग्राम की कीमत निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 ग्राम्स आ जाएगा. यानी कि अगर आप
70, 1 किलो जो था वो 70 रुपए का है, उसको जब हम 10 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 रुपए। 100 ग्राम की कीमत हो जाएगी बेटा 7 रुपए। जब 100 ग्राम्स की कीमत हो गई 7 रुपए, 7 रुपीज़, तो आप देखिए अगर हम इसमें 600 ग्राम्स, यानी कि इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब हमने इसको 6 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया और आंसर क्या आ जाएगा, 42 रुपीज़। वेरी गुड। नाउ आई होप यू हैव रिटन द आंसर्स एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, बाय हाउ मच इज द अनार डियरर टू गुआवा। तो यहाँ पर बेटा अनार डियरर टू गुआवा का मतलब क्या है, यहाँ देखिए जो अनार है यानी कि पॉमीग्रेनेट को अनार बोला जाता है हिंदी में, और यहाँ हिंदी का ही वो वर्ड यूज़ कर लिया गया है। तो अनार की कीमत है 90 रुपये, 90 रुपीज़, और आप देखिए अमरूद यानी कि गुआवा की कीमत है 25 रुपीज़। जब इन दोनों के कॉस्ट में कौन सा महंगा है, यस, इन दोनों के कॉस्ट में जो हमारा पॉमीग्रेनेट है, अनार है, वो महंगा है। पूछे कितना महंगा है, तो कितना महंगा के लिए क्या करना होगा, हमें उसका डिफरेंस ऑफ कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो देखिए अनार अगर 90 रुपीज़ का है, जो पॉमीग्रेनेट 90 रुपीज़ का है और जो गुआवा है वो 25 रुपीज़ का है, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो ये देखिए 10 में से 5 तो 5, और आपका जो 8 है 8 में से 2 गया तो 6, देन इट विल गिव यू ₹65। यस, नाउ द आंसर इज ₹65। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन, हाउ मच डिड 5 kgs ऑफ पाइनएप्पल कॉस्ट। नाउ द कॉस्ट ऑफ 1 kg इज, कॉस्ट ऑफ 1 kg पाइनएप्पल इज 80 रुपीज़, एंड इफ वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 5 kg, अगर बेटा 1 किलो की कीमत जो है वो 80 रुपये है, तो 5 किलो निकालने के लिए, 5 किलो की कीमत निकालने के लिए हम इसको किससे गुणा कर देंगे, 5 से। तो आप जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 5 40, और ऑलरेडी जो जीरो है वो हमने यहाँ लगाया, तो देखिए क्या आ गया, यस 400 रुपीज़। तो आप यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल डाल दीजिए, या फिर आप उसको RS ऐसे रुपीज़ भी लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन वी ट्रीट अ कोरोना अफेक्टेड पर्सन एट होम, प्लीज राइट इन योर ओन वर्ड्स। नाउ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फूड, एज वी नो दैट द गुड फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रीन सैलड्स वुड हेल्प टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी। सो फर्स्ट वी नीड टू टेक केयर ऑफ द डाइट, देन क्लीनलीनेस, सोशल डिस्टेंसिंग एंड अदर हाइजीनिक कंडीशन, मेंटेनिंग हाइजीन, यूजिंग सैनिटाइजर्स वेयर एवर इज रिक्वायर्ड, सैनिटाइज द थिंग्स ऑन द डेली बेसिस। सो वी कैन से बेटा आप लोग, अगर मैं उसको समझाऊँ तो आपको पता है आज एड्स में और आप सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी जा रही है, घर में भी इस बारे में बहुत बात होती है, न्यूज़ में भी बार बार आता है कि हम सबको एक दूसरे को कोरोना से बचा के रखना है। तो कोरोना से एक तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सबसे पहले तो बच के रहना है, जिसके लिए आपको एक अच्छी डाइट लेनी है इंस्टेड ऑफ जंक फूड। जंक फूड ना खा के हमें हेल्दी डाइट लेनी है, जिसमें बहुत सारे सैलड्स फ्रूट्स लेने हैं जो विटामिन सी में एनरिच होंगे। अगर रिच होंगे तो क्या होगा, इन रिच इन विटामिन सी होगा, तो ऐसे सोर्सेज होंगे जो फूड के, वो हमें इम्यूनिटी हमारी इंक्रीज़ करेंगे बॉडी की, और कोई भी डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया वायरसेस हमें अफेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो हम पर असर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी उसके लिए रेडी रहेगी। दूसरा, अगर हो भी जाता है तो हम उसको कैसे केयर करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो अगर अफेक्टेड पर्सन है हमारे घर में, तो पहले तो उन्हें अलग नहीं समझना है, हाँ एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाते, वो नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आती है तब तक ये सिखाया जाता है। तो बेटा आप एक तो सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजेशन का ध्यान रखेंगे, क्लीनिनेस का ध्यान रखेंगे, उन्हें अच्छी डाइट देंगे,
एयरी, उसमें सफोकेशन ना हो रूम में, वो अच्छे से सांस ले सकें, टाइमली उनके चेकअप्स होंगे। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम घर पर भी किसी का भी अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया है, यू अंडरस्टूड। प्लीज़ डू द वर्कशीट इन योर नोटबुक्स एंड डू शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो विद योर, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। बेटा आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और इमीजिएटली आपको जब वीडियो टाइम पे मिल जाएगी तो आप टाइमली अपना काम भी पूरा कर सकेंगे। स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, इन्जॉय योर लर्निंग। थैंक यू सो मच।